सभी गूगल पिक्सल लवर्स का वेट खत्म होने वाला है और 2023 से हम वेट कर रहे हैं कब गूगल अपने नए स्मार्टफोन्स लेकर आएगा। तो एप्पल की तरह गूगल भी हर साल अपनी फ्लैगशिप पिक्सल सीरीज लॉन्च करती है। जैसे पिछले साल गूगल पिक्सल 8 सीरीज लॉन्च की गई थी जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई, और कुछ टाइम पहले गूगल ने इंडिया में अपना एक सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया था, गूगल पिक्सल 8a। तो अब टाइम आ चुका है पिक्सल 9 सीरीज़ का, और मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। सो 13 अगस्त को गूगल अपना इवेंट होस्ट करेगी जिसमें गूगल पिक्सल 9 सीरीज़ ऑफिशियल लेवल पर लॉन्च की जाएगी। साथ में पिक्सल वॉच 3 और पिक्सल फोल्ड 2 फ़ोन लॉन्च किया जाएगा। तो ये गूगल ने कंफर्म कर दिया कि पिक्सल सीरीज के साथ एक नई वॉच और एक नया फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च किया जाएगा। तो लास्ट ईयर जो गूगल ने पिक्सल फोल्ड लॉन्च किया था उसका एक अपग्रेडेड वर्जन होगा जो पिक्सल फोल्ड 2 के नाम से आएगा, और एक पिक्सल वॉच 3 होगी। सो इस बार के गूगल पिक्सल सीरीज़ की स्पेशल बात यह है कि इस बार 2 नहीं बल्कि 3 नए वेरियंट्स लॉन्च किए जा सकते हैं, जिसमें गूगल पिक्सल 9, गूगल पिक्सल 9 प्रो और एक नया प्रो एक्सल मॉडल होगा। सो पिक्सल फोन्स जो है ना उसमें कुछ यूज़र्स की शिकायत रहती है कि डिस्प्ले साइज़ बहुत छोटा है और कुछ लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो इसीलिए गूगल अपने बेस वेरिएंट में एक नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्प्ले देगा, लेकिन ये जो एक्सल प्रो वेरिएंट है इसमें इस बार आपको एक बड़ा डिस्प्ले मिलेगा। सो जैसे आपने एप्पल के आईफोन सीरीज़ में देखा होगा कि 3 अलग अलग वेरियंट लॉन्च किए जाते हैं, एक बेस वेरियंट, प्रो वेरियंट और एक प्रो मैक्स वेरियंट। सो प्रो मैक्स वेरियंट है डेडिकेटेडली उन यूज़र्स के लिए बहुत अच्छा होता है जो एक अच्छे फीचर्स के साथ बड़ा डिस्प्ले भी चाहते हैं। तो वही चीज़ इस बार गूगल अपने इस 9 सीरीज़ के साथ करने वाला है। तो एक लुक है, टीज़र जिसे आप कह सकते हैं, वो सामने आ गया है, जिसमें गूगल पिक्सल 9 सीरीज़ का डिज़ाइन देखा जा सकता है। इस बार डिज़ाइन में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए गए। हमने देखा था 7 और 8 सीरीज़ का डिज़ाइन कुछ हद तक सिमिलर था, लेकिन 9 सीरीज़ ना काफ़ी हद तक चेंज हुई है। साइड्स चेंज किए गए हैं, बैक पैनल पूरी तरीके से चेंज किया गया है, और इस बार देखा गया है ग्लॉसी बैक पैनल, वरना हमेशा ना मैट फ्रेम देखने के लिए मिलता है। तो देखना है कि और क्या नए चेंज हो सकते हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि बेस वेरिएंट में इस बार आपको मैक्सिमम 12GB रैम और 128GB स्टोरेज मिल सकती है, लेकिन जो 9 प्रो एक्सल वेरिएंट होगा उसमें आपको 16GB रैम और 128GB स्टोरेज मिल सकती है। तो ये सारे वो फीचर्स हैं जो इस बार हमें 9 सीरीज़ में एक्सक्लूसिव फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। सो आपको याद होगा गूगल पिक्सल 8 सीरीज़ के साथ AI फीचर्स इंट्रोड्यूस किए थे गूगल ने पहली बार, तो वो सीरीज़ इसीलिए अभी तक काफ़ी पॉपुलर हुई है। जैसे उसमें आप एक AI इमेज इरेजर फीचर यूज़ कर सकते थे। उसके बाद गूगल ने सैमसंग के साथ मिलकर एक गूगल टू सर्च फीचर इंट्रोड्यूस किया था। तो इस बार आपको 9 सीरीज़ में एक नया AI असिस्टेंट ऐप मिल सकता है जो कि आपके सारे काम करेगा, और इस बार के जो फ़ोन्स आने वाले हैं उसमें Gemini भी डेडिकेटेडली इंस्टॉल्ड होगा। तो Gemini तो आपको पता ही है गूगल का अपना एक AI असिस्टेंट है। तो इस बार का जो चिपसेट है वो होगा Tensor G3 का अपग्रेडेड Tensor G4, जो कि पावरफुल परफॉर्मेंस देगा। और मैं आपको बताती हूँ इस बार के डिस्प्ले साइजेस क्या हो सकते हैं। सो बेस वेरिएंट में स्टैंडर्ड आपको 6.03 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है, वही जो उसका प्रो वेरिएंट होगा उसमें 6.3 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है, और जो प्रो एक्सल वेरिएंट होगा उसमें आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है। तो ये कुछ हाइलाइटेड फीचर्स मैंने आपको बता दिए जो आपको मिलेंगे इनकी फ्लैगशिप सीरीज़ में। सो अब बात करते हैं गूगल पिक्सल फोल्ड 2 की। तो इस बार माना जा रहा है कि डिस्प्ले साइज़ को और बढ़ाया जा सकता है। सो जो इनर डिस्प्ले होगा वो होगा 7.9 इंच का, और जो आउटर डिस्प्ले होगा वो होगा 6.4 इंचेस का, और इस बार आपको फोल्ड में ट्रिपल रियर कैमरा मिल सकता है। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो पिक्सल फोल्ड के सामने आया है, और मुझे लगता है ना कि इस बार पिक्सल फोल्ड को थोड़ा लाइट वेट और स्लिम भी किया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार का फोल्ड देखने में थोड़ा सा हैवी वेट वाला लुक था उसमें। और इस बार जो पिक्सल वॉच आने वाली है, वॉच 3, उसमें आपको 1.2 इंच की स्क्रीन मिल सकती है। और मैं आपको एक और अच्छा अपडेट देती हूँ कि सिर्फ फ़ोन ही नहीं, इस बार पिक्सल वॉच सीरीज़ में भी नया वेरिएंट मिलने वाला है, न्यू पिक्सल वॉच 3 XL, जिसमें आपको 1.4 इंच की एक बड़ी स्क्रीन मिलेगी। तो गूगल इस बार बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है डिस्प्ले पर, साइज़ पर, और डिज़ाइन तो आपने देख ही लिया कि कितना डिज़ाइन में चेंज किया गया है इस बार। अब देखना यह है कि कैमरा फीचर्स कैसे रहते हैं, बैटरी फीचर्स कैसे रहते हैं, और क्या नया मिलेगा, और कौन से नए AI फीचर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और कुछ फीचर्स जो आपको इन फोन्स में मिलने वाले हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे एंड्रॉयड 15 के साथ। तो मैंने एक वीडियो किया है जिसमें बताया कि एंड्रॉयड 15 में क्या क्या नया मिलेगा, जिसे गूगल पिक्सल 9 के साथ ही ऑफिशियल किया जाएगा। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 15 में इस बार क्या नया होगा।
तो ये मैंने आपको बता दिया गूगल पिक्सल 9 सीरीज़, गूगल पिक्सल फोल्ड के वॉच के सारे हाइलाइटेड फीचर्स जो मिलने वाले हैं इन सारी सीरीज़ में। आप हमें बताइए अगर आपके पास भी कोई लेटेस्ट अपडेट है गूगल पिक्सल 9 सीरीज़ का, और साथ ही गूगल लवर्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, और इस तरह के अपडेटेड वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।